हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर लाठीचार्ज के विरोध में महागठबंधन ने बिहार बंद किया। वहीं बेगूसराय में भी बिहार बंद का असर एनएच पर देखने को मिला। इस बंद में राजद समेत कई दलों के कार्यकर्ता शहर के बस स्टैंड के निकट एनएच 31 को जाम कर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमजे के यूथ क्लब द्वारा महारानी जानकी कुंवर स्टेडियम में आयोजित द्वितीय एकता कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला क्रिकेट क्लब रक्सौल और मोतिहारी क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें मोतिहारी की टीम जीत हासिल कर कप पर अपना कब्जा जमाया। वहीं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विजेता टीम के खिलाड़ी दीपक को दिया गया, जिन्होंने 60 रन बनाकर एक विकेट लिया था। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक रामचंद्र सहनी ने विजेता टीम को शील्ड प्रदान किया। इन्होंने 60 रन देकर एक विकेट लिया है। मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में तीसरा वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय की स्थापना की अड़चनों के बीच चर्चा की। एडमिनिस्ट्रेशन टू कम अप ऑन द डाइस फॉर वोट ऑफ थैंक्स। अंग है, हिस्सा है तमाम संसाधनों का, वह सीखता है और उसके जो माता पिता होते हैं उसको साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारे अभिभावक जन है विश्वविद्यालय परिवार की, यहाँ के प्रबुद्ध जन से सभी आदर्श विद्यालय स्वाभाविक है कि अभी दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं पढ़ने की, वो याद करते हैं आपको, दिल से एक तरह से आभार ज्ञापित करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी की कहानी तो उन्होंने कहा कि अलग से ला बात करो, अलग से इसके लिए प्रस्ताव लाए। स्मृति जी को मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो लौटाया है, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक अलग से हम। फिर प्रधानमंत्री जी से बात की, फिर अलग से प्रस्ताव गया। मोदी सरकार के 3 महीने के अंदर कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी, उसके बाद संसद के दोनों सदनों में पास हुआ और इसकी पढ़ाई की शुरुआत कराने के लिए देश के शिक्षा मंत्री जावेडकर जी यहाँ आए थे, बड़ा समारोह हुआ था। ये संघर्षों की हमारी कहानी है, चंपारण के लोगों की। कहे तीसरा स्थापना दिवस है और इस 3 वर्ष के अंदर इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने देश के अंदर अपने प्रतिभा को स्थापित किया है और यहाँ के विद्यार्थी का 100% जो विश्वविद्यालय से निकले हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है और कई लोगों ने तो कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं आज के इस अवसर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मंगल में भविष्य की कामना करता हूँ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चंपारण वासियों ने और बिहार राज्य के भी सब लोगों ने और उस समय की बिहार सरकार और पूरा विधानमंडल दल ने मिलकर जो एक स्वर से कहा कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में होगी, उन सबके प्रति मैं आज आभार व्यक्त करता हूं। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर पटना में पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा के लहेरिया सराय टावर को जाम करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रालोसपा के इस बिहार बंद को महागठबंधन में
शामिल तमाम दलों ने समर्थन दिया है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा सुधार आक्रोश मार्च में उपेंद्र कुशवाहा 2 फरवरी को पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने आक्रोश मार्च के दौरान रालोसपा कार्यकर्ताओं पर नीतीश सरकार के सारे पर पुलिस जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। हमारे महागठबंधन के नेताओं को ये शौक नहीं है कि हम बंद करके आम जनताओं को तकलीफ पहुंचाने का काम करें, लेकिन बिहार सरकार बार बार मजबूर करती है, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई नेता अल्पमत वेतन भोगी शिक्षकों के लिए या स्वास्थ्य सेवकों के लिए या किसी सताए हुए जनताओं के समर्थन में अगर सड़क पर उतर जाती है तो उसको लाठी बरसाने का काम करता है, गोली चलवाने का काम करता है। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप में मामूली आदमी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर रह चुका है। इसलिए इस बंद के माध्यम से हम मांग करते हैं कि बर्बरता पूर्वक जो लाठी चलाया गया है, लाठी चलाया गया है उसमें लाठी चलाने वाले भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को अविलंब बर्खास्त करें। बिहार बंदी का सहरसा में भी असर देखने को मिला है। शहर के स्थानीय शंकर चौक समेत अन्य चौक चौराहे पर उपेंद्र कुशवाहा व कार्यकर्ताओं पर पटना में लाठीचार्ज के विरोध में सड़क जाम कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। फरवरी को शहीद जगदेव प्रसाद जी के जयंती के अवसर पर बिहार में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के मांग को लेकर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का आक्रोश मार्च गांधी मैदान से राजभवन की ओर जा रही थी। डाक बंगला चौराहा पर नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के पुलिस के द्वारा नीतीश कुमार जी के इशारे पर उपेंद्र कुशवाहा जी को जान से मारने की नीयत से लाठी चार्ज किया, हमला किया। उसी के विरोध में हम लोग आज सहरसा ही नहीं पूरे बिहार बंद कराए हैं। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष सह लोकसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मसौढ़ी बंद कराने के लिए महागठबंधन के नेता सड़कों पर उतरे, जिसमें कांग्रेस और राजद के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश कुमार की सरकार निरंकुश और बेलगाम हो गई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लालू राबड़ी जिंदाबाद, 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 राहुल सोनिया जिंदाबाद, 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 जितेंद्र मांझी जिंदाबाद, 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 चंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, 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 हमें बताना सही करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपको माननीय पत्रकार महोदय पता होगा कि 2 तारीख को हमारे माननीय नेता गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा जी लोकतांत्रिक तरीके से राजभवन मार्च कर रहे थे।
बिहार में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर उसी क्रम में राज्य सरकार ने दबाव बनाकर और उनको लाठी डंडे से पीटने का काम किया। हमारे नेता चोटिल ही नहीं हुए, घायल हुए, और उसी विरोध के चलते हम इस निकम्मी सरकार के विरोध में आज पूरा महागठबंधन परिवार ने बंद का आह्वान किया है। ऐसा मजबूरी हम लोग को इसीलिए अपनाना पड़ा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो पूर्व मंत्री भी हैं और एक पूर्व मंत्री के साथ जो बर्बरतापूर्ण जो प्रशासन के द्वारा किया गया उसको हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। इससे साबित होता है कि एक जो जनप्रतिनिधि के साथ जो प्रशासन यह सलूक करता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। इसी मैसेज को पूरे बिहार में पहुंचाने के लिए महागठबंधन का जो अभियान जो है आज बिहार बंदी का इसलिए किया गया है। उधर दलसिंह सराय में भी रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ रालोसपा राजद सीपीएम और सीपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एनएच 28 सरदारगंज चौक को सड़कों पर बैठकर पूरी तरह से जाम कर दिया। खिलाने का इसने काम किया, इसने दो भागों में बांटा साथियों, इसने दो भागों में बांट दिया। गरीब का लड़का खिचड़ी खाएगा और स्कूल में सरकारी स्कूल में जाएगा जहाँ की शिक्षकों का काम होता है मात्र खिचड़ी खिलाना। और जितने नेता बड़े 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 पदाधिकारी पैसे वाले उनके लिए उन्होंने एक अलग प्राइवेट। मसौढ़ी रसोईया संघ ने तारेगना स्टेशन पर हटिया पटना सुपर ट्रेन को रोककर चक्का जाम कर दिया। वहीं 1200 में दम नहीं 18000 से कम नहीं के नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। रसोईया संघ का कहना है कि जब तक नीतीश कुमार की सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। 1250 रुपया में दम नहीं, 1250 रुपया में दम नहीं, श्रम करेंगे पूरा दाम, श्रम करेंगे पूरा दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, दिल्ली पटना खोलो का, नहीं तो होगा चक्का जाम, दिल्ली पटना खोलो का, नहीं तो होगा चक्का जाम, महिला सशक्तिकरण का ढोंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, सामाजिक न्याय और कानून का राज का ढोंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपना हक कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, अपना हक कैसे लेंगे, लड़के लेंगे। क्या ही नहीं उतरेंगे, हम लोग का पेट नहीं भर रहा है, हम लोग का बाल बच्चा क्या खाएगी क्या पिएगी बताइए। 1200-1250 रुपया मिलता है उससे हम लोग का पेट नहीं भरता है। लोग सुबह से 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं अब फिर भी हम लोग का पेट नहीं भर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। आज चलेगा ना प्लेटफॉर्म पर क्यों हैं आप लोग, हम लोग है मांग के लेकर है अपने। कटिहार में बिहार बंद के दौरान पुलिस और महागठबंधन कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा पर पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए बंद में महागठबंधन के नेताओं ने कटिहार के शहीद चौक पर जाम करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस और महागठबंधन के नेताओं में पहले रोड जाम को लेकर तूतू मैमे हुई और फिर भिड़ंत हो गई। हालांकि बाद में वरीय अधिकारी के पहल के बाद फिलहाल स्थिति सामान्य है। जूता खोल के भाई, जूता खोल के नीतीश मोदी हाय 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 हाय। सीबीआई पुलिस का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो, दुरुपयोग बंद करो, बंद करो। सीबीआई बिहार पुलिस हाय 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 हाय, ईडी ईडी हाय हाय हाय, ओजीडी केस हाय 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 हाय, जिंदाबाद बनर्जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
उधर राजद ने भी बिहार बंद का समर्थन किया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में भी बिहार बंद का असर देखने को मिला। वहीं पार्टी के उपाध्यक्ष धीरज सिंह ने बिहार सरकार से जल्द दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर सजा दिलवाने की बात कही है। पुलिस ने बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के ऑर्डर पे पुलिस प्रशासन ने उनको बेरहमी से पीटा है, जो आज पीएमसीएच में वो एडमिट है। पूरा बिहार जानती है कि नीतीश कुमार अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, जल्लाद राज फैला हुआ है बिहार में, सभी उन्हीं के देख रेख में कर रहा है पुलिस प्रशासन। आज जनता में भय का माहौल है, गुंडा राज फैला हुआ है। अगर हम सड़क पे आराम से आंदोलन करते हैं, जो हमारा हक है, तो वह पुलिस प्रशासन द्वारा रगदवाते खदरवाते हैं। आज बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। उधर सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर गांव में जमीनी विवाद में चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर सोनवर्षा थाना अध्यक्ष सुमन कुमार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी शुरू कर दी है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।